हेलो एवरीवन मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं यूथ पाठशाला के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में पूछे गए जितने भी आपके टेट के एग्जामिनेशन हुए अगर हम बात करें सी टेट की या अदर स्टेट के जो टेट एग्जामिनेशन है इवन अपना राजस्थान टेट जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साथ साथ में सॉल्व करते हुए जरूर चलिएगा वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज अंग्रेजी क्यों नहीं सीखनी चाहिए इट इज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज भाई ये भाषा जो है ज्ञान की भाषा है। अगर ज्ञान की भाषा तो सीखनी चाहिए ना तो ये तो ऑप्शन है नहीं इट इज विंडो ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल नेहरू जी ने कहा था कि ये विंडो है तो ये भी सही है रीजन इट इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूल्स ब्रिटेन की भाषा है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग मॉडर्न थिंकिंग की भाषा है तो ब्रिटेन की भाषा इसलिए नहीं सीखना है क्यों सीखना है नॉलेज की भाषा है विंडो लैंग्वेज है मॉडर्न थिंकिंग की लैंग्वेज है इस कारण सीखना है तो करेक्ट आंसर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि सिर्फ ब्रिटेन की भाषा इसलिए नहीं सीखना है अगला क्वेश्चन कहता है बेटा पढ़िएगा लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ भाषा को सीखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है फास्ट प्रोसेस है इंस्टेंट प्रोसेस है या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस समावेशी प्रक्रिया है भाषा सीखना क्या है बेटा एक समावेशी प्रक्रिया है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है ध्यान रखें लैंग्वेज अकर्स ओनली ऑनलीवेन लैंग्वेज एक्विजिशन कब आता है जब चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर बच्चे को ग्रामर के रूल पढ़ाए जाए बच्चे को इनाम दिया जाए चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लैंग्वेज के एक्सपोजर uh, अच्छा uh, मिले एक्सपोज मिले द चाइल्ड एब्जर्व द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन बिना ध्यान के चीजों को सीख लें तो एक्विशन uh, कब आएगी इनमें से करेक्ट आंसर क्या है बेटा एक्वजिशन कब आएगी जब बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा भाषा को यूज करने का एक्सपोजर मिलेगा तब लैंग्वेज एक्विजीशन आएगी तो सही आंसर क्या हो गया लैंग्वेज एक्विजीशन अकर्स ओनली व्हेन द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज जब बच्चे के पास लैंग्वेज का एक्सपोजर हो अगला वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है जब आप मटीरियल बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स मटीरियल शुड बी चूज इन की कॉम्प्लेक्स मटीरियल चूज करें ग्रेडिंग ऑफ मटीरियल शुड बी डन ग्रेडिंग जरूरी है एनी काइंड ऑफ मटीरियल कैन बी चूज इन कोई भी मटीरियल ले लो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटीरियल शुड बी इंट्रोड्यूस थोड़ा सा मटीरियल का जो पार्ट है उसे इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए क्या सही रहेगा कॉम्प्लेक्स मटेरियल नहीं आएगा बेटा एनी काइंड का भी नहीं या तो कहें ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन या स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल्स जरूरी है ठीक है

इस कारण यह स्टेटमेंट बोला जाता है मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय देखिए भाषा पर मदर टंग का इफेक्ट जरूर पड़ता है जैसे मैं बोलता हूं तो मेरी भाषा पे या मेरे एक्सेंट पे मदर टंग का इफेक्ट जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि कंपैरेटिवली इंग्लिश मैं मदर टंग ज्यादा यूज करता हूं है ना तो यह कैसे मिनिमाइज की जा सकती है

ंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अंपल और ग्रेडिड मिनर सीधे सीधे जवाब दोगे तो मदर टंग का कम यूज किया जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वन टीचर एक टीचर जो है स्टेब्लिश करता है डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग ही यूज डायरेक्ट मैथड ऑडियो लिंग्वल मैथड बायोलैंग मैथड या नन ऑफ दीज क्या कह रहा है स्टैब्लिश अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग इसे क्या कहा जाता है बेटा बायोलैंग मैथड कहा जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके हुए चल रहा है तो इट इज बायोलैंग मैथड हियर बी यूज इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग टूगेदर दोनों एक साथ में यूज करते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एक्यूरेट एक्यूरेटली कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है भाषा का एक्यूरेटली यूज करना एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली अपना जो मीनिंग है इंटेंशन जो है वो क्लियरली आए यूज ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज ग्रामेटिकली लैंग्वेज करेक्ट हो Use patterns करेक्टली या फिर patterns को करेक्टली यूज़ करें कम्युनिकेटिव देखो कम्युनिकेशन का जब भी मतलब आ जाए आपको क्या ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे बोलना या सुनना कम्युनिकेशन नहीं है कम्युनिकेशन क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ वो चीज़ आप तक पहुँच पा रही है या नहीं पा रही है तो क्या हो गया बेटा एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली कि जो मेरा विचार है वो मैं क्लियरली बता सकूं अगला क्वेश्चन देखिए बेटा द मेन परपज ऑफ टीचिंग एड्स इन एंड इंग्लिश क्लास रूम इज टू परपज क्या है टीचिंग एड्स का यूज करना क्लासरूम में प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंसिस डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं प्रोवाइड विकेरियस एक्सपीरियंसिस प्रोवाइड सिम्बोलिक या प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या मेन पर्पज रहता है बेटा जल्दी से क्वेश्चन पर जोड़ दीजिएगा दिमाग पे क्वेश्चन को पढ़िए कि मेन क्या रहेगा जल्दी से बता दीजिएगा क्या रहेगा बेटा क्या करें बेटा प्रोवाइड विकीरियस एक्सपीरियंस सीधा चीजों को समझ सकें ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्लो लर्नर स्लो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है लिमिटेड वोकैबलरी शॉर्ट अटेंशन स्पेन, एब्सटेक्ट थिंकिंग लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट कौन सी इसमें से क्वालिटी नहीं है बेटा वोकेब्लरी क्या होती है लिमिटेड ही होती है जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी वकेबलरी कैसी होती है लिमिटेड अटेंशन बहुत कम समय के लिए लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज नहीं होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्लो लर्नर के अंदर नहीं पाई जाती है स्लो लर्नर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी होगी थिंकिंग कैसे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट अबो एवरेज बच्चे जो है वहां आएगी स्लो लर्नर के नहीं आएगी हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ड एक्वायर्ड लैंग्वेज सही क्रम क्या है आप सबको बहुत अच्छे से पता है बहुत बार हमने इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया है सबसे पहले लिसनिंग आएगी फिर स्पीकिंग आएगी फिर रीडिंग आएगी फिर राइटिंग आएगी सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड द राइटिंग ठीक है मोन्टेसरी ने क्या कहा था राइटिंग देन रीडिंग एक्टिव कौन कौन सी है बेटा स्पीकिंग और राइटिंग पैसिव कौन सी है लिसनिंग और रीडिंग ठीक है रिसिप्टिव रिसीव कौन से करते हो लिसनिंग और रीडिंग प्रोडक्टिव कौन सी है स्पीकिंग और राइटिंग क्लियर हो गई बातें चलिए टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम से बाहर आना है तो क्या करोगे द टीचर विल यूज ब्रेन स्टॉमिंग लाउड रीडिंग प्रोनाशियेशन ड्रिल या डिक्टेशन क्या करेगा क्या करेगा भाई टीचर ये दो तो आपको पता ही समझ में आ गया होगा स्पेलिंग से कोई लेना क्या यूज करेगा बेटा डिक्टेशन का यूज करेगा ठीक है डिक्ट के थ्रू स्पेलिंग सही हो जाएगी ठीक है चलिए दूर कर दी जाएगी इस प्रॉब्लम को a learner's competence in english will improve kab improve hoga when he or she receives of learning experience that is appropriate equal level slightly higher level range of levels a slightly easier or lower level kab improvement aayega beta देखो इम्प्रूव करना है ना तो प्रॉब्लम आनी जरूरी है बिना प्रॉब्लम के इम्प्रूवमेंट नहीं आता है आप चीजें इजी इजी कर रहे हो इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे ये थोड़ी कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा उससे सिर्फ आत्मसंतुष्टि मिलेगी एग्जाम क्लियर नहीं होगा इक्वल लेवल भी नहीं थोड़ा सा हायर लेवल लेके चले क्या करना है बेटा थोड़ा सा हायर लेवल लेके चले तो आपकी एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट आएगा ठीक है स्लाइटली हायर लेवल अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड थ लैंग्वेज लर्निंग इज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स मेंटल ब्लॉक क्या है स्पोर्ट्स और आर्ट्स में इंटरेस्ट होना डिस इंटरेस्ट इन स्टडीज इन जनरल और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश डाइस्लैक्सिया और डिसबिलिटी क्या है मेंटल ब्लॉक मेंटल ब्लॉक बेटा क्या है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना कि वो भाषा का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा है तो मैंटली वो जो चीज़ यूज़ नहीं करोगे ना लेमार्क ने क्या कहा था साइंस तो पढ़ी होगी ना लेमार्क ने कहा था जो चीज़ें यूज़ नहीं की जाती है वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती है भाई मानव प्रजाति पहले बंदर हुआ करती थी पूँछ हुआ करती थी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ पूँछ गायब हो गई समझ गए बात को तो जो चीज़ें यूज़ नहीं होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है दिमाग का अगर यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा बेटा ब्लॉक हो जाएगा जितना ज्यादा यूज करोगे जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा यूज़ किया गर्दन लंबी होती चली गई अब अपने दिमाग का ज्यादा यूज करोगे दिमाग और फास्ट चलेगा दिमाग का यूज नहीं करोगे तो मेंटली ब्लॉक हो जाओगे ठीक है अकंपनी लेबल्स

वे चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंस इज देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब एज बबलिंग एक्सेप्शनली सॉफ्ट टेलीग्राफिक या मल्टीलिंग चिल्ड्रन जब बच्चा जो है बोलना जब स्टार्ट करता है बेटा तो उसे आप क्या कहोगे वो बड़बड़ाना स्टार्ट करता है सॉफ्ट नहीं बोलता बड़बड़ाता है बड़ उसे क्या कहता है बबलिंग कहेंगे बहुत ईजी क्वेश्चन था ट्वेल्व ईयर ओल्ड चिल्ड्रन इन्जॉय इंजॉय करता है यूजिंग पंस दिस इंजॉयमेंट इंडिकेट दैट सी हैज सिमेंटिकलेंटिंग डिडक्टिव रीजनिंग मेंटल ब्लॉक मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या है वो बच्चा जो ऐसे काम कर रहा है भाई मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस से दिमाग अच्छा काम करता है फन का मतलब क्या होता है बेटा बोलना कुछ सेम वर्ड्स यूज़ करना अ क्रिटिकली पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग के दौरान क्रिटिकल पीरियड कौन है कौन सी चीज़ जब क्रिटिकल सिचुएशन है समझिएगा द पीरियड वह पीरियड ड्यूरिंग विच जिसके दौरान लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम किसी भी दूसरी समय का ये ऐसा समय है जब लैंग्वेज ईजिली सीखी जाती है The length of time before a comprehensive assessment takes place in class. Best preparative period of any language product, special time set aside for students to intensively practice language use. critical hai in The period during which language can be acquired with greater ease than any other. Time. वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट क्या सजेस्ट करता है चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक वेन नॉट इन स्कूल जब बच्चे स्कूल में नहीं है तो थोड़ा धीरे बोल पाते हैं लर्न टू रीड एंड राइट एंड सॉरी सिमल लगातार बोल सकते हैं आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन पहले बोलते फिर सुनते हैं क्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स अर्लियर देन अदर्स दूसरों की कंपेरिटिवली लैंग्वेज जो है वो जल्दी पकड़ पाते हैं क्या रहेगा नेचुरल ऑर्डर क्या रहेगा बेटा एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अर्लियर देन अदर्स वो क्या है बेटा नेचुरल ऑर्डर में आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए जेंडर इन द स्कूल करिकुलम एम्प्लॉइज क्या कहता है चिल्ड्रन शुड बी डिफ्रेंशेड एज बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स रेस्पेक्टफुल अप्रोच टू वर्ड्स बेफाइनिंग डिफाइनिंग जेंडर प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है बेटा इनमें से एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें क्या रहेगा बेटा रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रूल्स ठीक है अगला क्वेश्चन रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज रोल प्ले जो एक्टिविटी है वो पार्ट हो सकती है क्यों इट इज एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक है इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क मीनिंगफुल टास्क में एंगेज करता है इट इनेबल्स स्टूडेंट टू मेमोराइज द स्टोरी स्टोरी को मेमोराइज कर सकते हैं इट इनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरेक्ट फ्रीली क्या रहेगा रोल प्ले का रोल प्ले एक्टिविटी क्या करती है बेटा इट इनेबल्स स्टूडेंट इंगेज इन मीनिंगफुल टॉक मीनिंगफुल टॉक में इंगेज रहते हैं की रानी जो है वो डेली से है सी एस टे कडमिशन इन अ स्कूल इन आसाम आसाम के स्कूल में एडमिशन लिया है इन द फाइनल एग्जाम फाइनल एग्जाम के अंदर सी फेसिस डिफिकल्टी इन राइटिंग कंपोजिशन से प्रॉब्लम आती है कंपोजिशन लिखना के पे ऑन बिहू वहाँ का जो एक फंक्शन है द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर रानीज प्रॉब्लम इज दैट क्या प्रॉब्लम है हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन द अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर पेरेंट्स की हेल्प नहीं ले सकती सी इज नॉट ए हार्ड वर्किंग गर्ल एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू अडेप्ट स्कूल करिकुलम स्कूल करिकुलम को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है हर बैकग्राउंड इज डेफिशेंट इज नॉट ऑन अपर विकूल कल्चर स्कूल कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है डिसकंटीन्यूटी बिटवीन हर होम एनवाइ एंड द स्कूल करिकुलम स्कूल करिकुलम और उसके घर में अलग अलग चीजें हैं समझ गए बात को भाई उसका कल्चर कुछ और है उसके घर का कल्चर और है स्कूल का कल्चर और है देर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम एंड इनवाम इन्वायरमेंट एंड द स्कूल करिकुलम उसका होम इन्वायरमेंट डेली का है स्कूल करिकुलम में क्या चीजें हैं बेटा असम की है ठीक है अगला क्वेश्चन समझिएगा अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विथ पोइम्स एंड स्टोरीज क्लास जो टेक्स्ट बुक है वो पोइम से या स्टोरी से स्टार्ट होती है कंप्लीट टेक्स्ट एंड एंड्स विद द अल्फाबेट और अल्फाबेट के साथ एंड होती है च अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पैडागोजी ये कैसी अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच एस्थेटिक बॉटम अपलेटिक कैसी है ये टॉप डाउन अप्रोच है ठीक है इन द प्राइमरी क्लासेज प्राइमरी क्लासेज के अंदर इट इज़ रिकमेंडेड ये रिकमेंड किया जाता है दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाए क्यों इट क्रिएट्स नेचुरल इन्वामेंट नेचुरल इन्वामेंट क्रिएट होता है चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करता है इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड ये बच्चों को सक्षम बनाता है चीजों को कॉम्प्रीहेंड करने में सीधी सी बात है अगर मदर टंग का यूज किया जा रहा है इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू comprehend. बच्चों को सक्षम बनाती है चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने में ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ क्लास फिफ्थ का एक स्टूडेंट है हैज जस्ट रीड अ टेक्स्ट अबाउट द वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ ए कम्युनिटी लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अ सिटी किसी शहर के बाहर कोई कम्युनिटी रह रही है वहाँ पानी की समस्या है आफ्टर रीडिंग द चैप्टर चैप्टर पढ़ने के बाद द स्टूडेंट रिमार्क्स रिमार्क करता क्या हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी टू स्ट्रगल फॉर वाटर एवरी डे कितना परेशानी वाला काम है कि रोज़ स्ट्रगल करनी पड़ती है पानी के लिए च कॉम्प्रीहशन स्ट्रैटेजी डज दिस रिमार्क रिविल कौन सी रहेगी इसमें समराइजिंग मेटा कॉगनेशन इनफेरशियल रीडिंग या रीड अलाउड क्या रहेगी बेटा इनफेरियंशियल रीडिंग चीजों को कनेक्ट करता हुआ चल रहा है अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज रीडिंग से रिलेटेड कौन सा है बेटा डाइसलेक्सिया एफेशिया ऑटिज्म या एम्पेयरमेंट रीडिंग की बात होती है बेटा डाइसलेक्सिया ठीक है रीडिंग से रिलेटेड डाइसलेक्सिया राइटिंग इज एंड नॉट अ राइटिंग क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट नहीं है प्रोसेस है फॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट है प्रोसेस नहीं है राइटिंग क्या है बेटा राइटिंग इज अ प्रोसेस ये एक प्रोसेस है बेटा नॉट अ प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट नहीं है ये क्या है आपकी प्रोसेस है क्या ध्यान में रखना है राइटिंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट नहीं है क्या एक प्रोसेस है यानी करेक्ट आंसर विल बी बी समझिएगा रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली वो स्माइल और स्कूल क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे एज अ टीचर वट विल ही डू तुम क्या करोगे मैग रिया रिपीट द वर्ड मेनी टाइम्स क्या कहेंगे बार बार वर्ड को रिपीट करो रिया को क्या कहोगे अंडरस्टैंड द मीनिंग मीनिंग को समझे साउंड पैटर्न को समझे एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम और ऑडियो विजुअल तरीके से सुने ह्यूमिलेट करेंगे उसे रिया को बाय आइसोलेटिंग हर एंड आस्किंग हर टू रिपीट द वर्ड्स दोबारा दूर जा खड़े जाओ रिपीट करते रहो आस्किंग द एंटायर क्लास टू रिपीट द वर्ड्स एंड अप्रिशिएटिंग रिया वैन सी रिपीट देम करेक्टली पूरे क्लास को कहोगे और रिया को भी क्या कहोगे आप अप्रिशिएट करोगे अगर वो प्रोनाउंस कर दे सही तरीका क्या बेटा मैं क्रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग उसे मीनिंग समझाएं साउंड पैटर्न समझाएं एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम और ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू उसे दोबारा चीज़ों को सुनाया जाए ताकि वो चीज़ों को रिपीट करती हुई आगे बढ़ सके क्लियर है ये हमने कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है चलिए अगले क्लास के अंदर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ टीचिंग मेथड से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे